गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड लिथियम बॉन्ड। ठीक है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बना होता है। ठीक है, और हमारे पास अब इनकी नेचर भी हम देख लेते हैं। नेचर हमारे पास इनकी क्या है, दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है दीज एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करती हैं और करते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। अब हम देख लेते हैं इनकी सिंथेसिस के रिएक्शंस। तो नंबर वन पे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद लिथियम। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएं लिथियम के साथ, टू लिथियम हमने इधर लिया हुआ है, तो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनोलिथियम और साथ लिथियम हैलाइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक हमारे पास ये तरीका है इनको प्रिपेयर करने का। सेकेंड हमारे पास मेथड आ जाता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जो हमने ऑर्गेनोसोडियम में भी पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा और एक हमारे पास और जो ऑर्गेनोलिथियम है उसी को हम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इस तरह बन जाएगा, यानी कि हमारे पास जो R प्राइम है वो इस हैलाइड के साथ शिफ्ट हो जाएगा और जो दूसरा R है वो ऑर्गेनोलिथियम बना लेगा। ठीक है, तो मेटल ने आपस में, हेलोजन और मेटल ने आपस में पोजीशंस चेंज कर ली हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना दो इनके जो है सिंथेसिस के मेथड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज और इनके रिएक्शंस। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। तो सबसे पहले इनके जो रिएक्शंस हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये फोर टाइप के रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन चारों को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास नंबर वन पे आ जाता है विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं
उनके साथ हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और आर एल आई हमारे पास साथ है। तो हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में प्रोड्यूस होना है और साथ हमारे पास एल आई ओ एच बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रिएक्शन है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है विद इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स के साथ जब हम रिएक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास इपॉक्साइड है, बल्कि इधर हमारे पास कीटोन के साथ भी मैं रिएक्शन आपको लिख देती हूँ। अगर हम कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करें ना, आर एल आई, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, तो फिर हमारे पास ना टर्शियरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल और साथ वही एल आई ओ एच प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना जो फर्स्ट रिएक्शन है वो एल्डिहाइड का है, सेकंड हमारे पास ना कीटोन का रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन विद इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स का जो हमारे पास रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा इपॉक्साइड है, ठीक है, और आर एल आई के साथ रिएक्ट कर रहा है ये वाटर की प्रेजेंस में। तो इधर भी हमारे पास ना अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस तरह हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी और साथ एल आई ओ एच प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इपॉक्साइड्स के साथ रिएक्शन आ गया। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमारे पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड इधर एक आ जाता है COOH और साथ CH3 मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, मेथानोइक एसिड है। और आर एल आई के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में तो हमारे पास ना कीटोन प्रोड्यूस होना है, ठीक है, कीटोन और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो दूसरे रिएक्शंस हैं उनकी। तो नंबर फोर पे हमारे पास आ जाता है विद CO2। CO2 के साथ भी जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना आर एल आई का, तो हमारे पास ना कीटोन ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी। तो इधर भी हमारे पास ना कीटोन ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक इधर CH3 आ जाएगा और इधर R आ जाएगा, बल्कि CH3 नहीं बनेगा, हमारे पास इधर R ही जो है वो इधर कीटोन ऐसे प्रोड्यूस होगा और साथ हमारे पास जो है वो LiOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना CO2 के साथ इसका रिएक्शन है ऑर्गेनोलिथियम का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो हमारे पास RLi प्लस हमारे पास O2, ठीक है, तो ये इधर हमारे पास जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा, इधर हमारे पास LiOH बनेगा और ROH बनेगा साथ, ठीक है, क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना, दो एटम है, तो दो जो है वो एक लिथियम के साथ अटैच हो जाएगा और एक आर के साथ, और इधर हमारे पास, इधर भी हमारे पास वाटर जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है विद अल्कीन्स। अल्कीन्स के साथ रिएक्शन जो होता है वो चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। जब आर एल आई को हम अल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना वाटर की प्रेजेंस में, तो
हमारे पास ना ये चेन बन जाती है, यानी कि अब RCH2CH2Li बन जाएगा, ठीक है। फिर जब इसके अंदर हम दोबारा से अल्कीन ऐड कराएंगे तो ये चेन लंबी होती जाएगी, ठीक है। इधर दो और CH2 ऐड हो जाएंगे लिथियम से पहले, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अल्कीन के रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपके पास ना कौन से रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो RLi होता है ना, उसने रिएक्ट करना होता है वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होगा, तो OH नेगेटिव हमारे पास ROH के साथ चला जाएगा और LiH जो है वो इधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा। अब R की जगह हम कोई भी अल्काइल लगा सकते हैं और बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे ही बनेंगे। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, जिसको हम मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो अभी हमने सिंथेसिस में देखा था। तो इसमें भी हमारे पास सेम रिएक्शन होगा, ठीक है, आर एक्स है प्लस आर एल आई है, तो हमारे पास अब इधर डाइवर्ट हो जाएगी आर एल आई, ये वाला आर इस एल आई के साथ लग जाएगा और R प्राइम X के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। फोर्थ हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, उसके अंदर अब यही वाला सेम रिएक्शन है, RX और RLi रिएक्ट करेंगे, लेकिन इधर ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं बनेंगे, यानी कि जो R है वो इसके साथ चला गया और ये वाला R X के साथ चला गया, ऐसे नहीं होगा। ये दोनों R इधर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और Li X प्रोड्यूस हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास ना जो है सिंथेसिस और जो है रिएक्शंस हो गए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के। इन्हीं के अंदर ना आप एप्लीकेशंस भी, इनकी अलग से हम नहीं लिखते होते, इनकी एप्लीकेशंस इनके रिएक्शंस में ही हैं। तो मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ एप्लीकेशंस इनकी, कि हमारे पास ना अब सबसे पहले तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यूज होते हैं, जैसे हमने अल्कीन में किया था कि वो चेन बनती गई थी, ठीक है। उसी तरह ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में काम आते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। थर्ड हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ कीटोन में भी काम आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हैलाइड्स भी बनाते हैं, ठीक है, लिथियम हैलाइड्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो इसी तरह इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनके रिएक्शंस में छुपी हुई हैं, ठीक है। तो आपको गूगल पे भी और बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैंने जो रिएक्शंस करवाई हैं उनके हिसाब से ये वाली एप्लीकेशंस इनकी बनती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और वीडियोस को भी जो है वो लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।